इस रेसिपी को बगैर स्किप किए देखना और फिर इसको बनाना, तो आपको ये बहुत मज़ेदार डिश लगेगी, दोबारा आप बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? अभी गोश बना ही रही हूँ तो मैं उसकी रेसिपी डाल दूँ, आपसे शेयर कर लूँ। तो इसलिए जब मैं खाना पकाने खड़ी हुई तो मुझे याद आ गया कि क्यों ना आपसे अरवी गोश्त की भी रेसिपी शेयर की जाए। तो इसलिए मैंने कहा चले आज मैं अपने बच्चियों को अरवी गोश्त, तो चलें फिर स्टार्ट लेते हैं। टू कप यानी कि मेरा साइज़ यही है, आपका जो भी साइज़ हो। मैंने तो टू जो कप है ये तेल डाला है, दो कप तेल डाला है, ऑयल डाला है, और इसमें हम डाल देंगे ये प्याज ऐसे चॉप की है मैंने, कोई 3 अदद, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे। बता देती हूँ, इसको ना ज़्यादा हमने गोल्डन करनी है और ना ज़्यादा इसको हमने वो रखनी है। तो ये गोल्डन करने के बाद मिलते हैं आपको। तो ये इस कंडीशन में हमको प्याज चाहिए थी थोड़ी, इसकी वजह ये है कि ये कुछ खड़े मसाले हैं जो मैं अभी वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगी कि ये खड़े मसालों में मैंने क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे क्योंकि पहले ये डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। दूसरा फिर मैंने ये 1 kg एक केजी बीफ गोश्त लिया हुआ है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके अंदर इसको बहुत अच्छा टेस्ट है ना, तो उसका जो हड्डी और नली का जो टेस्ट आता है ना, उसमें जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, सॉरी ज़रा मेरी कढ़ाई इधर उधर जा रही है, मैं ज़रा वो ले लूँ जी। तो इसको पहले करते हैं सही, और अब इसको अब इसको उस वक्त तक भुनेंगे जब तक कि इस पानी गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ कि आजकल क्योंकि सर्दी आने वाली है बहुत जल्द, और सब्जियां बहुत मज़े की आती है सर्दियों में, मेरी गैस चली गई थी इसलिए मैं स्टॉप हो गई थी, गैस जा चुकी थी मेरी, लेकिन अब गैस आ गई है और लाइट भी आ गई। उस वक्त जब मैं वीडियो बना रही थी उस वक्त लाइट भी नहीं थी और गैस भी अचानक पकाते पकाते चली गई थी। तो अब हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमने इसका पानी खुश करना है, हमने पहले सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, उसका मैंने वीडियो में मेंशन कर दूंगी। इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और हमने इसको थोड़ी देर भूनना है, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और अदरक लहसुन की खुशबू और उसकी भुनाई भी हो जाएगी। एक बात मैं आपको बताऊँ, जब सर्दियाँ अभी आने वाली है ना, इतनी मज़े मज़े की सब्जियाँ आती है, अगर आप लोगों ने उन्होंने सब्जी खिलानी है ना, तो अब मैं आपको और भी सब्जियों के साथ गोश्त बनाकर बताऊंगी कि किन किन सब्जियों के साथ आप गोश्त बनाकर बच्चों को खिला सकते हैं। तो आप इस तरह गोश्त में कभी अरवी, कभी लौकी, कभी टिंडे, कभी भिंडी, इस तरह की चीज़ें मिक्स करके जब आप उन्हें खिलाएँगे ना, तो क्या होगा अगर वो सब्ज़ी साइड हटा भी देंगे ना, तो सब्ज़ी का जितना फ्लेवर होता है वो सब गोश्त के शोरबे में आ जाता है, जैसे गोश्त का भी आ जाता है, उससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरह हमारे बच्चों के जिस्म के अंदर, हड्डियों के अंदर, सब्जियों और सब्जियों में कितने विटामिन, मिनरल्स और ताकत होती है ये सब जानते हैं। तो इस तरह हमारे बच्चों के अंदर ये सब चीज़ें जाती है। अब इसके बाद ये देखें तरी आ गई है, पानी हमारा खुश्क हो चुका है, ठीक है। अब ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। हर चीज़ डालने के बाद उसकी भुनाई जब आप करेंगे तो हर चीज़ का जो टेस्ट है ना वो अलग से ही उसका टेस्ट निकल कर आता है। और अगर आप ऐसे ही सारे मसाले डाल कर और चढ़ा देंगे ना, तो कभी भी खाने में जायका नहीं आता और उसका टेस्ट भी नहीं आता। तो हम इसको मेरी आदत है कि मैं हर मसाले को अच्छे से भूनती हूँ हर चीज़ को। और अरवी गोश्त, ये रही अरवी, मैं गोश्त चढ़ाने के बाद इसको 30 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये अरवी है, ये इसको इंग्लिश में हम चाइनीज पोटैटो कहते हैं, ठीक है। और इस जब ये मैं अभी नहीं डालूंगी, अभी मैं इसमें सारे मसाले भून के इसको 30 सेकंड के लिए 30 मिनट के लिए जो है कवर कर दूंगी। जब तक मैं इसको साफ़ करूंगी, छीलूंगी, अच्छे से धोंगी, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे भिंडी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना, ऐसे ही हमारे लिए
अरे भी बहुत फायदेमंद है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लेस होती है जैसी के भिंडी में होती है। तो ये इसको जब हम साफ करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसमें भी लेस सी चिकनाई सी आती है। वो हमारी हेल्थ, हमारे घुटनों का दर्द, हमारे बोन्स का दर्द, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको ये सही करती है। तो ये हमारे फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो चले मसाले को हम आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। अब इस कंडीशन में हम मसाले डालेंगे। ये धनिया और ज़ीरा दरदरा सा पिसा हुआ है और ये जायके के हिसाब से मैंने पिंक वाला नमक लिया है और धनिया पाउडर जो है वो इसमें ज़्यादा डलेगा क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये 2 स्पून लिए, 1 स्पून मैंने हल्दी लिए, 2 स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और ये दिखा दूँ 1 स्पून मैंने इसमें लाल मिर्ची लिए। ठीक है, अब ये हम सब एक साथ डालते हैं लेकिन फिर भी मैं वीडियो में ये सारे मसाले भी आपको मेंशन कर दूंगी मैंने कि ये कितना कितना डाला है। जो मसाले हमने डाले हैं हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। भुनाई करने के बाद इसमें अच्छा कलर लाने के लिए मैं डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। ठीक है, वो वाली लाल मिर्ची हमने 1 स्पून डाली थी क्योंकि हमें ये भी डालनी थी ताकि इसका कलर अच्छा आए। क्योंकि इस सालन में अगर कुछ सालन ऐसे हैं जिसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालो और उसका कलर अच्छा आता है तो कलर ही देखकर बच्चे खुद ब खुद खाना खाते हैं और बड़ों को भी अच्छा लगता है और इसका जायका भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और जायका भी अच्छा है। तो अब हम इसकी यहाँ भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये 2 गिलास पानी डालेंगे। ठीक है, 2 गिलास पानी डालने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से ढक देंगे और इसको हमने बिल्कुल सीधा करके 30 मिनट के लिए कवर कर देना। अब हमारे भी साफ कर तो चले आए। अब देखते हैं कि हमारा गोश्त कहाँ तक तैयार हुआ है और ये देखें इसमें अब ये कलर आ गया है और ये तकरीबन पक चुका है और इसकी बूटी हम अभी इसको हिला के और बूटी चेक करते हैं कि इसकी बूटी कहाँ तक गली है और कितनी गली है। तो अब ये बूटी हम चेक करते हैं, बूटी को हम ढूंढते हैं अच्छे से ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। और ये देखें ये बिल्कुल गल गई है, ये नज़र आ रही है, ये हाफ डन हो चुकी है। मतलब है ना जैसे हम बिरयानी बनाते हैं और एक कनी चावल रखते हैं ना, इस तरह गल गई है। अब यहाँ पर ये अरवी पड़ी हुई है, इस अरवी को मैंने अच्छे से धो के और एक स्टील की जाली में डालकर और इसको खुश्क कर दी। खुश्क करने के लिए रख दी थी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेस होती है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब अरवी को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसकी लेस आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखिए नज़र आ रही होगी आपको, इसमें जैसे भिंडी में लेस होती है ना ऐसे इसमें भी ऐसी लेस होती है और यही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आजकल जोड़ों का, घुटनों के जो दर्द होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भिंडी और ये अरवी बहुत फ़ायदेमंद है। ये दर्दों के लिए और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम जो है इसको अच्छे से हिला कर और ना सेट करके और इसमें आपको कितना शोरबा रखना है कितना नहीं रखना ये आप डिसाइड करेंगे और इसको हम आप अच्छे से मिक्स करके और ना यहाँ पर आके हम इसको कवर कर रहे हैं। चलें अब यहाँ अगर हम देखते हैं कि अरवी हमारी कितनी गली है और हम ठीक है, ये देखें जितने साइज़ की थी ना उतने साइज़ की मैंने डाल दी है और ये जल चुकी है, नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह हमको इतनी डालनी जलानी है इसको और मैंने जितनी जितनी जो अब ये देखें अब आपके आपको कितना शोरबा रखना है, आप कितना रखते हैं वो आपका अपना मर्ज़ी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इतना रखा है क्योंकि मेरे बच्चे इसके साथ राइस खाते हैं और इस टाइम पे आके हमें यहाँ पर मलिर वाली कुछ 4 से 5 मिर्चें आधी आधी इस तरह की कट करके इसमें डाल देनी है। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें आधी कट करी थी और 2 स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे या गरम मसाला हम आखिरी में डालते हैं।
क्योंकि सालन जो है अगर आप शुरू में डालेंगे तो वो काला हो जाता है। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल देंगे और थोड़ा हम गार्निश के लिए रखेंगे, ठीक है। चले अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, हम आधे अच्छे से फिर हम डिश आउट। मज़ेदार सा अरवी गोश्त तैयार हो गया और इसके साथ जो है मेरे घर में चावल बनते हैं, हस्बैंड के लिए रोटी बनती है, बच्चे चावल पसंद करते हैं। तो ये देखें मज़ेदार सा राइस एंड अरवी गोश्त तैयार हो गया। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।